बेस्ट पुरस्कार पौले हो वो के रोक पाई आप पूरी तरह से धर्मेंद्र यादव की सीट निकल जाए। अरे हम तो लड़ते नहीं चुनाव, हमारे पीछे पूरा लग गए सभी लग गए ना, तब वो जनता ने साथ दिया तो हम ज्यादा वोट से जीत गए। यहाँ चुनौती और बीएसपी भी अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है, तो क्या चुनौती नहीं लग रही, इतनी बड़ी चुनौती? देखिए अगर हम लोग सच्चाई को देखें और पिछले रिकॉर्ड को देखें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि निरहुआ की तरह, कम से कम मैं नहीं कहूंगा कि मैं ब्रह्मा की तरह लकीर हूं, मैं ये मिटा दूंगा, उनको हरा दूंगा। चुनौती तो है, कांटे की टक्कर तो है, लेकिन आजमगढ़ से निरहुआ हार। आजमगढ़ के विकास में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के अलावा एक भी ईंट किसी ने रखा नहीं है। आजमगढ़ की जनता प्रबुद्ध जनता है, समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ किसी का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बहुजन हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अखिलेश, चाहे मोदी हो, चाहे जो भी हो, यहाँ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट आजमगढ़ ने जिता के भेजा और फिर दंगे की चोट पर धर्मेंद्र यादव और चुनाव चिन्ह साइकिल को आजमगढ़ जिता के भेजेगी। बकवास करने के लिए बीजेपी के अलावा, बकवास के अलावा बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा विकास का नहीं है। बीजेपी तो बोल भटका की बात करती है, ये मंदिर की बात करती है, मस्जिद की बात करती है, हिंदू की बात करती है, मुसलमान की बात करती है, कभी गरीबी पर बात नहीं करती, बेरोजगारी पर बात नहीं करती, महंगाई पर बात नहीं करती, शिक्षा पर बात नहीं करती, चिकित्सा पर बात नहीं करती, खेती और किसानी की बात नहीं करती, भटकावे की बात करती है और जनता इस सारे जुमले को जानती है। धर्मेंद्र यादव चूंकि यहाँ से लोकसभा उम्मीदवार माना समाजवादी पार्टी आपके पार्टी से जे बेस्ट सांसद के भी पुरस्कार पौले रहा, का यहाँ से जीत गई हैं आजमगढ़? जो बेस्ट पुरस्कार पौले हो वो के रोक पाई जी। आप पूरी तरह से यहाँ से धर्मेंद्र यादव की सीट निकल जाए? अरे हम तो लड़ते रहे चुनाव, हमारे पीछे पूरा लग गए सभी लग गए, तब वो जनता ने साथ दिया तो हम ज्यादा वोट से जीत गए। यहाँ चुनौती नहीं लगा था, विपक्ष की खाली बाय यहाँ पे हम चुनौती लगा तो लगाइए, हर जगह कम नहीं लगाइए, इसलिए हम पूरे आजमगढ़ की जनता का विश्वास है, लोकसभा की जनता का विश्वास है कि अब की बार हम फिर उपचुनाव में आदरणीय धर्मेंद्र यादव को रिकॉर्ड मत जिताई और जिता करके पार्लियामेंट भेज। मैं यही कहूंगा जो रिश्ते हैं आजमगढ़ के समाजवादी विचारधारा के साथ, उन रिश्तों के को हम लोग और मजबूत करने का काम करेंगे और जो भी जनता की उम्मीदें और भावनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं हमसे, उनको पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। धन्यवाद सर। बड़ी जिम्मेदारी बा आप लोगों के कंधे पे, आपकी अध्यक्ष जी के फरमान बा कि धर्मेंद्र यादव के आपकी लोकसभा जिता के भेजे के बाद, तो बड़ी मेहनत आपके करे पड़ी। मेहनत नहीं, अगर बिना मेहनत कुछ पैदा हुई जी, अगर मेहनत किसान ना करी, वही कहला है कि हम सरकार बनी किसानों का हम दुगुना आय का देने का जी, कहे थे कि ना करे, नौकरी दिए का देना ही, जनता के झूठा वादा किए, आजमगढ़ में जाके देख ला, चाहे पीजीआई अस्पताल हो, चाहे महिला अस्पताल हो, चाहे कचहरी हो, कलेक्टरी, अब चाहे कृषि विश्वविद्यालय है, जो भी कही आपके छठियाओं के चीनी मिल है, जवन कुछ मिलल है, सड़क कुछ पैसा दिया है, कमिश्नरी दिया है, ये सब कौन दिया है? समाजवादी पार्टी का सरकार ने देने का काम किया है। आई ये का कह लो, ये बता दे कि हमने क्या किया है यानी जनता, अब सवाल करी इनसे। अब वो समय जब छोट रेल रहा आजमगढ़ में, तो उसको अपने पैसे से, जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहना है तो अपने उन्होंने मुख्यमंत्री पद के रह करके जितना परसेंट देना था उतना परसेंट बड़ी रेल लाइन के देना है और जाके रेल लाइन बन। धन्यवाद धन्यवाद आपका।